जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तार ना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, फिलहाल तो तुम्हें ये सोचना है कि तुम उस औरत के साथ काम कर सकते हो या नहीं। नहीं, आप कहो तो मैं अपने होटल संभालना शुरू कर दूं। ठीक है, इस घर में एक अच्छा सा बहू ले आ। ठीक है अब्बू, अब होटल के कारोबार की बागडोर वो संभालेगा, उसके होटल के काम में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं किसी से प्यार करती हूँ। ओह वाओ, एक्सीलेंट। अब वो दिन तू नहीं जब तू शमशेर एंटरप्राइजेस के चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठेगा। Why do you think he's called us? Good afternoon. Please sit down. Thank you. I hope I'm not late. नहीं मैम, हम भी कुछ देर पहले आए हैं। कहिए, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? मिस्टर नारंग और मिस्टर डेविसन, आप हमारे दुबई और शारजा के होटल के जीएम हैं, आर ट्रस्टेड एम्प्लॉयज। जी, जैसे कि आप जानते हैं इन होटल्स की जिम्मेदारी मेरे ससुर ने अजय पे सौंपी है, लेकिन मैं थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि अजय इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ठीक तरह से गाइड करें और उसकी जो कुछ भी गलतियाँ हैं साफ साफ उसके सामने रख दें। यू कैन ट्रस्ट अस मैम। मैं आपकी लॉयल्टीज की कदर करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। अगर आपको होटल के मैनेजमेंट में ज़रा भी गड़बड़ नजर दी तो आप फौरन मुझे इत्तला कर दीजिए, लेकिन चुपचाप। जो बात आप नहीं समझा पाए हैं वो शायद मैं समझा पाऊँ। इट विल बी डन मैडम। एक और बात, अजय को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मुझ में और आप में किसी किस्म का रिश्ता है। उसे शायद ये बात पसंद नहीं आएगी। ही इज अ वेरी इंडिपेंडेंट बॉय एंड आई डोंट वांट टू हर्ट हिम। आप फिक्र ना करें मैडम, ऐसी कोई बात हम लोग नहीं करेंगे जिससे आप या शमशेर जी नाराज हो जाएं। थैंक्स। Excuse me. Yes. Can I meet Mr. Ajay, please? आपका नाम? दीपा। From which company? Just tell him Deepa has come to see you. Alright, just. Sir, Miss Deepa आपसे मिलने आई है। Okay, sir. Yes, you can go in. Thank you. Come, Deepa. Come. कैसा लगा मेरा ऑफिस? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यहाँ नहीं, वहां बैठो। वो तो तुम्हारी कुर्सी है। वो तुम्हारे दोस्त की कुर्सी है। मुझे वहां बैठने से डर लगता है। एक्चुअली तुम्हें देखकर भी मुझे डर लग रहा है। क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। अमीर हूं तो क्या हुआ? अजय, दौलत ऐसी चीज है जो खून के रिश्तों को भी अलग कर देती है। मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, एक ऐसी दोस्त जिसका पेशा तुम्हारे स्टेटस पर एक बदनुमा दाग होगा। ओह कम ऑन दीपा, वक्त आने पर मुझे आजमा लेना।
अरे ये सब जो तुम देख रही हो ये एक छलावा है, मेरी माँ के गुजरे हुए वक्त की चिता। मैं तो इस चिता को अग्नि के हवाले करने आया हूं, बस जब वक्त गुजर जाएगा तो ये सब राख बन जाएगा और मैं फिर से अजय बन जाऊंगा, अपनी मां का अजय, एक छोटी सी बस्ती की छोटी सी खोली में रहने वाला अजय। और फिर जब उस वक्त मेरी औकात तुमसे बात करने की नहीं होगी तो क्या तुम मुझसे दोस्ती छोड़ दोगे? नहीं अजय। तो फिर बस बैठो उस कुर्सी पर जाकर। अजय मुझे तुम्हारे उस घर की टूटी फूटी कुर्सी मंजूर है, पर ये नहीं। सच? सच। पर उस वक्त तक तुम मेरा साथ दे पाओगे? अगर जिंदगी ने बेवफाई नहीं की तो, वरना तुम जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। हेलो अजय, मैं कमल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कमल अंकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी सौतेली माँ ने दोनों होटल्स के मैनेजरों को अपनी तरफ कर लिया है, अब तुम्हारी एक एक हरकत का पता उन्हें चलता रहेगा। और डैमर अंकल आप फिक्र ना कीजिए, मैं इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर लूंगा, आप बस मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहिए। ऑलराइट। ओके अंकल। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ओके। ला 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 ना 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 ना। क्या बात है, आज मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। बस ऐसे ही दादी माँ। यूं ही तो कोई खुश नहीं होता, जरूर कोई बात है, मुझे नहीं बताएगी? दादी माँ कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? तुझ पर यकीन तो नहीं आ रहा है, कहीं तुझे कोई लड़का तो पसंद नहीं आ गया? क्या मतलब? तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? दादी माँ आपको ऐसा लगता है क्या? लगता तो है, पर तू ना कहती है तो मान लेती हूँ। अच्छा दादी माँ, अगर मुझे किसी लड़के से प्यार हो जाए तो दादू शादी के लिए मान जाएंगे क्या? वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे, ना ही इसकी इजाजत देंगे। उनकी बहन करुणा ने उनकी मुखालफत की और उसका अंजाम उसके सामने आ गया। सारी जिंदगी उससे बात नहीं की, उसके बाद तुम्हारे पापा जी की जिद के आ गई, वो झुके और घर का सारा सुकून जाता रहा। वो आज भी इस बात को मानते हैं पूजा कि बड़ों के फैसले बच्चों के लिए सही साबित होते हैं। अच्छा दादी माँ, अगर अगर वो लड़का अच्छा हो, उसमें कोई ऐब ना हो, अपना घर हो, एक अच्छी नौकरी हो और अच्छे खानदान से हो, तभी भी दादू मना कर देंगे? ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं अब? दादी माँ उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर उन्हें कोई लड़का अच्छा लगेगा तो वो जरूर इजाजत देगी, क्योंकि उन्होंने अब बच्चों की जिद के आगे झुकना सीख लिया है, अब वो अपने बच्चों के बीच रुकावट नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा एक बात बता पूजा, क्या तुझे किसी लड़के से प्यार हो गया है? जी दादी माँ। कौन है वो? दादी माँ अपने बारे में तो पता है, लेकिन उसका नजरिया नहीं मालूम। जैसे मुझे पता चल जाएगा ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। बेटी जो भी करना सोच समझ के करना। जी दादी माँ। अस्सलामुअलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। आओ फैसल पुत्र, आजा 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 आजा। कहिए अब आपकी तबीयत कैसी है? बस हल्का हल्का दर्द रह गया,
दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह। फैसल, एक फोन आया था यार, मेरा एक दोस्त था बाबर खान, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, फटान था फटान, उसके घर से फोन आया था। उनके घर से? जी जी, दरअसल बात ये है कि उसकी एक बेटी है रिजवाना, देखने में नहायत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, वो घर का काम काज बखूबी जानती है। वैसे मियाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। मिलना क्या है अब्बू, आपने देख ली ना, आपको पसंद है तो समझिए मेरी तरफ से भी हाँ है। नहीं 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 नहीं, मैं शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है। जिंदगी तुम दोनों ने साथ गुजारनी है, तुम उसको देखो पसंद करो, वो तुमको देखे पसंद करे तो बात आगे बढ़े। ठीक है अब्बू। और दूसरी बात, सिर्फ इस ख्याल से आ नहीं कर देना कि वो मेरे दोस्त की बेटी है, उसे देखो, अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी शरीक हयात बन सकती है तो यहां बोलना। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। खुश रहे पुत्र, खुश रहे, खुश रहे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा दादी माँ, आपकी चहती बहू ने हमारे दोनों होटल्स के मैनेजर्स के साथ आज दोपहर में मुलाकात की है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं ठीक कह रहा हूँ दादी माँ, आपकी बहू चाहती है कि वो दोनों उसके लिए मेरी जासूसी करें, मेरे अंदर उस होटल में क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी पूरी जानकारी उसे दें। इन शॉर्ट, मेरे पीछे जासूस लगाए गए। पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्या सुन रही हूँ? तुमने देवी सन और नारंग के साथ आज मुलाकात की और उन्हें अजय पर नजर रखने के लिए कहा, साथ में ये भी कहा कि होटल में क्या हो रहा है और क्या नहीं इसकी रिपोर्ट देते रहना, क्या ये सच है? जी वो माँ जी, दरअसल मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में कहो, क्या ये सच है? जी माँ जी, ये सच है। मैं पूछ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? झूठ मैं बोल नहीं सकती और सच आप सुन नहीं पाएंगे। हमें आजमाने की कोशिश मत करो बहू, क्या बात है? माँ जी, मुझे अजय पर भरोसा नहीं है, मुझे हमेशा लगता है हमसे बदला लेने के लिए यहाँ आए। हमसे नहीं, आज तुमसे बदला लेने का जी जरूर करता है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस घर से बेघर हुई है। ये सच नहीं है बेटे, पूर्णिमा तुम्हारी माँ के जाने के एक साल बाद इस घर में आई है। तुम्हारा अपने छोटी माँ से नफरत करना जायज नहीं है बेटे, और ना ही तुम्हें यह शोभा देता है कि तुम इस तरह की ओछी हरकतें करो। अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चल जाएगा तो उन्हें कितना अफसोस होगा। बेटे, अगर तुम चाहो तो हम होटल के दोनों मैनेजर को निकाल देते हैं। नहीं दादी, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उन्हें फोन करके ये कहें कि वो ऐसी हिमाकतें ना करें और मेरे सिवा और किसी की बात ना माने। इसके बावजूद भी अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो मैं उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। बहू, आज ऐसी हरकत हुई है, आइंदा ना होने पाए। I'm sorry, माँ जी। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। बहुत अच्छा प्रिंटर है वो। चित्रकारी हमसे हमारा बेटा चुन रही थी,
हमने चित्रकारी से अपना बेटा वापस छीन लिया। और अगर तुम भी आरती के साथ रहना चाहते हो तुम भी घर से जा सकते हो। अगर आपने मेरी औलाद छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जन्म होने से पहले ही खत्म कर डालूंगी। लीजिए। वैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। कंपनी ने फ्लैट दे रखा है, गाड़ी भी है और सैलरी भी अच्छी है। और वैसे इंसान भी मैं अच्छा ही हूँ। ये फैसला आपने खुद ही किया है या लोगों ने? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान सबसे बड़ा जज खुद ही होता है। लोगों के जजमेंट का क्या, वो तो गलत भी हो सकता है। इसीलिए ये फैसला मेरा अपना ही फैसला है। वैसे सुना है कि आपने ग्रेजुएशन किया है। जी। आगे पढ़ाई नहीं की? जी नहीं, मुझे क्रिएटिव कामों में बड़ा शौक है, इसीलिए मैंने ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया। ये तो हुई दुनिया भी बातें। अब आप बताइए कि आप कितनी मजहबी हैं? अल्लाह का कर्म है, मेरी अम्मी की तरबियत ने मुझे एक नेक मुसलमान बनने में काफी मदद की है। गुड। हमारे घर का माहौल भी काफी मजहबी है। मेरे अब्बू एक ताजुद गुजार है। माशाल्लाह। रिजवाना, आप मुझे पसंद हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? जी। देखिए, मेरे अब्बू के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। इसीलिए मैं कभी उनसे अलग नहीं रह सकता। ये मुझसे नहीं होगा और आप कभी मुझे इस बात के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं तभी हाँ करना प्लीज। मैं ये नहीं चाहता कि आगे चलकर हम दोनों में किसी भी बात के लिए ना इत्तेफाकी हो। फैसला आपके हाथ में है। तुम चाहो तो मुझसे शादी से इनकार कर सकती हो। आपने इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। भाग का दरिया पार कर रहे हैं अजय, हमारी ये गलती हमें झुलसा देगी। ये मैनेजर्स तो पूर्णिमा के साथ मिल गए हैं, मैं सोचता हूं इन्हें नौकरी से निकाल ही दूं। ऐसा हर किस्मत करना, तुम्हें तो इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कल को कोई गफला सामने आता है तो तुम सारा इल्जाम इन पर और पूर्णिमा पर डाल सकते हो। बस हमें इनकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, कोई ऐसी कमजोरी जो इन्हें हमारे कब्जे में रख सके। खैर, इसकी चिंता तो मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। फाइन। So far, so good. Hello? Hello? मैं कमल चोपड़ा बोल रहा हूँ। कहाँ तक पहुंची तुम? अभी दोस्ती तो हो गई है। मैंने तुम्हें दोस्ती करने के लिए नहीं रखा है दीपा, मुझे 2 दिन में रिजल्ट्स चाहिए। Just confess your love to him, understand? Goodbye. ये बेचारा अजय भी बेमौत मारा जाएगा, क्या करें, युद्ध में तो बेकसूर ही मरते हैं ना। Thank you.